हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करें। आज सबसे पहला जो आर्टिकल आया हुआ है चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो कंटेक्स्ट ये है कि चंपारण सत्याग्रह के 100 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसी उपलक्ष्य पे हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रावधान से कुछ नई स्कीम्स वगैरह कैंपेन वगैरह स्टार्ट किए, तो उसको हम एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारे लिए यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक तो पूछे चंपारण सत्याग्रह पे, तो यहाँ पे हम दो चार पॉइंट है वो देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह है वो 10 अप्रैल 1917 को स्टार्ट हुआ था, तो 100 साल अब इसको कंप्लीट हो चुके हैं। और हुआ कहाँ था आपको बताया कि चंपारण वो बिहार में है, वहाँ पे जिला है, और उस जिले में एक्चुअली किसानों की हालत वो अच्छी नहीं थी। क्यों, क्या इशू था? इशू यह था उस टाइम पे कि जो वहाँ पे अंग्रेज लोग थे वो एक्चुअली किसानों से जबरदस्ती जो नील की खेती है वो करवा रहे थे। उसमें क्या प्रावधान था? उसमें प्रावधान ये था कि भाई किसानों को अपने एक बीघा खेती में एक्चुअली 3 कट्ठे में खेतों बोना पड़ता था, मतलब 3 कट्ठिया पद्धति थी। उसकी वजह से किसान थे वो काफ़ी परेशान थे, और उसकी वजह से किसानों ने एक्चुअली गांधी जी को इन्वाइट किया था और गांधी जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने लोगों की काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके बाद एट लास्ट में अंग्रेजों ने गांधी जी की माने वो मान ली थी। तो ये सारा सीन था। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि किस लिए तो ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसी के साथ एक नई प्रेरणा मिली कि भारत को आजादी की राह में किस तरीके से नए रास्ते की तरफ चलना है, वो सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब कंटेक्स्ट एक और ये है कि चंपारण सत्याग्रह के जो 100 साल या शताब्दी कंप्लीट हो चुकी है उसी पे उपलक्ष्य पे हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक्चुअली स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन चलाया जिसका नाम है सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह कैंपेन। तो ये हमें ध्यान रखना कि स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देखो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो सफाई को लेके सैनिटेशन को लेके काफ़ी सारे अभियान चला रखे और काफ़ी उन्होंने कमर कसर की स्टार्टिंग से ही, तो स्वच्छता को और ज़्यादा प्रमोट करना है ताकि हमारे देश में जो गरीब लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको एक्चुअली सब बीमारियों से दूर रखा जा सके। क्योंकि देखो जो भी ज़्यादातर मैक्सिमम बीमारियाँ होती हैं ना वो गरीबी में इसकी वजह से होती है कि कई बार सफाई वगैरह का ध्यान है वो नहीं रखा जाता है। तो हमें सफाई वगैरह के ध्यान पे फोकस करना चाहिए, और इसलिए स्वच्छता जो कैंपेन चलाया गया है वो चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार है उसने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया, क्योंकि आपको पता है कि चंपारण वो बिहार में, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको मिलकर स्टार्ट है वो किया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ इसमें एक न्यूज़ और है, वो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन जो रूल है उसके बारे में बता दूँ आपको कि इसे 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी नई गवर्नमेंट बीजेपी की उसने स्टार्ट किया था, गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर को उस मौके के ऊपर। तो है क्या यह एक्चुअली इसमें यह प्रावधान रखा गया था कि भाई लोगों को सफाई की तरफ है ना वो ध्यान फोकस करना, और रूरल एरिया में अगर सफाई को ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो वहाँ पर बीमारियों को निजात है वो पाई जा सकती है, और इसीलिए इसमें यह प्रावधान किए गए थे कि भाई तो सैनिटेशन साफ सफाई को ध्यान रखना है, इसी के साथ ही टॉयलेट बनाने पर फोकस किया गया था और लोगों के बिहेवियर चेंज को काफ़ी जोर तवज्जो दी गई थी। क्योंकि देखो टॉयलेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉयलेट बनाने के बाद लोगों को ये समझाना कि हाँ भाई आपको टॉयलेट चेंज यूज करना है और उनके मन में इस चीज़ को सेट करना या उनके मन में ये बात क्लियर होना कि भाई टॉयलेट यूज करने से उनको काफ़ी कुछ फायदे हैं वो हो सकते हैं, इसलिए बिहेवियर चेंज कैंपेन के तौर पे इसे चला गया था। और उसमें ओपन डेफिसिट फ्रीज जो टॉयलेट वगैरह उनका सबका प्रावधान किया गया था, और लोग खुले में जो शौच वगैरह हो रहा था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल है वो किया गया, और अभी इस दिशा में गवर्नमेंट और भी कदम है वो बढ़ा रही है। और इसमें ये टारगेट रखे गए थे कि भाई 2019 में जब गांधी जी का 150वीं जन्मदिवस आएगी उस मौके पे हमें भारत को एकदम क्लीन है वो साफ है वो रखना है, तो ये इसके टारगेट है वो रखा गया है। तो ये सारी कंप्लीट न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब आप ये बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट है वो कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में। तो 2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, कंटेक्स्ट ये है इसका कि रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में जो डायलॉग होने वाला था वो एक्चुअली कैंसिल है वो कर दिया गया है। तो हम इसके बारे में अब सारा सीन है वो देखते हैं। देखो 2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, यह एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये होता है कि दो लोग हैं वो इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट करते हैं और दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं यूएस की साइड से, और आपस में बातचीत करते हैं, जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिशें वो करते हैं। कौन है वो दो लोग? एक तो होते हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, और उसके साथ यूएस के फॉरेन मिनिस्टर और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर। अब ये कैंसिल क्यों कर दी गई है इंडिया और यूएस के बीच में, क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छी थी। देखो इसको कैंसिल करने का मेन मोटो ये था क्योंकि देखो अभी आपको पता है कि वहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट है यूएसए में, और एक्चुअली वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको एक्चुअली अभी वहाँ से नए पद से हटा दिया गया, और नए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको अपॉइंट किया गया था, तो अभी उनको वहाँ की सीनेट ने एक्चुअली अप्रूवल वगैरह नहीं दिया, तो उसकी वजह से जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो अभी खाली पड़ी, और उसकी वजह से अभी यहाँ पर मामला पेंडिंग रहा था। तो मतलब एक केवल डिफेंस मिनिस्टर की प्रेजेंस में काम हो नहीं सकता, इसलिए इंडिया ने इसको कैंसिल कर दिया कि नहीं भैया अब इस साल हम इसको हमारे इस साल इस प्लेटफॉर्म में इस डायलॉग को हम यहाँ पे
कंटिन्यू वो नहीं रख रहे हैं। तो ये सारी कंटेक्स्ट तो हमें ध्यान रखना कि 2x2 डायलॉग, और एक चीज आप ये ध्यान रखना कि 2x2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग वो इंडिया का यूएसए के साथ ही नहीं है, इंडिया का जापान के साथ भी है। पहले इंडिया ने जापान के साथ किया था, उसके बाद इंडिया का यूएसए के साथ अभी कंटिन्यू। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लिमोवा एक्सरसाइज के बारे में। लिमोवा एक्चुअली एक्सरसाइज है, यह एक सॉरी लिमोवा एक तरीके की एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम है। लिमोवा का फुल फॉर्म वो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें देखो ये प्रावधान किया गया है कि इंडिया और यूएस दोनों क्या करेंगे, नॉर्मल यूज में मतलब कोई युद्ध की कंडीशन को छोड़ के बाकी नॉर्मल यूज में एक दूसरे के नेवल बेसिस वगैरह हैं उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया कोई ट्रेन एक्सरसाइज कर रहा है या कोई और ट्रेनिंग वगैरह कुछ और प्रोग्राम कर रहा है, तो वो एक्चुअली यूएस के जो भी नेवल बेस शिप वगैरह उनका यूज वो कर सकते हैं। और नॉर्मल डेज में एक्चुअली यूएस है वो भी इंडिया के नेवल बेस वगैरह का यूज है वो कर सकता है। बट अगर कोई युद्ध वगैरह होता है किसी कंट्री के साथ, उस कंडीशन में दोनों ही देश एक दूसरे के जो पोर्ट्स वगैरह हैं उनका यूज वगैरह वो नहीं करने देंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि लिमोवा एग्रीमेंट है वो किस किस के बीच में साइन है वो किया हुआ है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो है बाओ फॉर्म ऑफ एशिया के बारे में, BFA के बारे में। तो इसे हम देख लेते हैं। बाओ फॉर्म फॉर एशिया है, कंटेक्स्ट इसका ये आया है कि इसका एक्चुअली ऑन एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो भी होस्ट हुई थी, तो उसके बारे में। तो देखो हम जिसे सारा सीन है वो देखते हैं कि क्या तो है फॉर्म है और क्या इसका सारा सीनेरियो वगैरह है। देखो जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म वो बनाया गया ताकि जो इकोनॉमिक के जो इश्यूज है पूरे वर्ल्ड में उनसे निपटा जा सके, उनसे डील वगैरह वो किया जा सके। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की आपको पता है कि हर साल जो मीटिंग है वो जनवरी के टाइम पे होती है, वो एक्चुअली आपको पता है कि लाओस में होती है। तो ये आपको बेसिक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो जनरल मीटिंग हो कहाँ पे होती है। तो उसी की तर्ज पे एक्चुअली क्या किया, चाइना ने इस चीज को कॉपी करते हुए बना दिया बाओ फॉर्म फॉर एशिया के। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाइना के द्वारा इसको बनाया गया था 2001 में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है, इस चीज पे आप फोकस करना, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। इसी के साथ ही इसका काम है, इसका काम ये है कि आपस की जो गवर्नमेंट है वो आपस में बातचीत करती है, जो इसके सदस्य मेंबर है वो इसके साथ जो बिजनेसमैन है वो बातचीत करते हैं, और जो बाकी अकेडमिया ग्रुप्स वगैरह वो यहाँ पे आके बातचीत वगैरह करते हैं। मतलब एक तरीके से आगे किस तरीके से हमें बढ़ रहा है, किस तरीके से हमें इकोनॉमी को लेके जाना है, उन सारे पॉइंट पे यहाँ पे फोकस है वो किया जाता है। तो अभी इसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली चाइना में आयोजित वो की जा रही थी। तो उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट है कि है वो क्या है, एशियन कॉम्पिटिटिवनेस एनुअल रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में एक्चुअली ये कहा गया था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना सीपेक, इसको एक्चुअली अफगानिस्तान में और ऐड कर दिया जाएगा, इसकी वजह से इंडिया को अपनी जो सोवरेनिटी का इशू था उसको और ज्यादा गरमाने की बात है यहाँ पे सामने आ रही है। तो ये सारा कंटेक्स्ट था, ये रिपोर्ट आप ध्यान रखना कि एशियन कॉम्पिटिटिवनेस एनुअल रिपोर्ट है वो एक्चुअली बाओ फॉर्म फॉर एशिया, उसके द्वारा वो की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है शेड्यूल मेडिसिन के बारे में। तो एक्चुअली कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जो कुछ शेड्यूल मेडिसिन थी उनको एक्चुअली जो उनकी काउंटर पे जो मेडिसिन वगैरह की सप्लाई होती है उनको एक्चुअली मतलब तरीके से स्टॉप है बैन है वो कर दिया, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह वो लगा दिए हैं कि भाई कुछ लिमिटेड मात्रा में ही वो मेडिसिन वो बिक सकती हैं। तो कौन सी, एक तो जो स्टेरॉयड एंड जो एंटीबायोटीज हैं उनके ऊपर लिमिट लगा दी है। स्टेरॉयड एक क्रीम होती है, इसके साथ एक एंटीबॉडीज होती हैं उनके ऊपर लिमिट लगाई गई ताकि इनका इलीगल मिस यूज है वो ना हो सके। तो देखो आपको दो तीन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बता दूँ कि शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स दो मेन शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल एच वो मेडिसिन आती हैं जिनकी लिमिटेड एक्सेस मतलब जिनको लिमिटेड मात्रा में बेचा जा सकते हैं, और वो जो भी गवर्नमेंट की जो डॉक्टर वगैरह जो पर्ची देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन वाली पर्ची, उसके बिना एक्चुअली जो मेडिकल स्टोर है वो इस मेडिसिन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। कौन सी लिस्ट वाली, एच की। तो शेड्यूल एच में वो मेडिसिन आती है जिसको विदाउट पर्ची डॉक्टर जो डॉक्टर डॉक्टर क्या सॉरी जो वो मेडिकल स्टोर है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। जबकि शेड्यूल एक्स में वो मेडिसिन आती हैं जो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिनको यू लेने के लिए डॉक्टर की अनुमति की जरूरत के साथ साथ जो रियल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनकी जरूरत वगैरह की भी जरूरत होती है ताकि इनका मिसयूज ना हो सके। क्योंकि शेड्यूल एक्स की जो मेडिसिन होती हैं काफ़ी खतरनाक होती हैं, और मतलब काफ़ी खतरनाक का मतलब ये इनका काफ़ी मिसयूज हो सकता है और वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए ये दोनों मेडिसिन के बारे में आपको ध्यान रखना कि शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स है वो क्या है। अब आपको ये बता दूँ कि डायरेक्ट टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इंडिया में, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है। अब ये यहाँ पे बात आई कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसका काम क्या है। देखो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसका काम ये है हमारे देश में ताकि जो भी मेडिसिन वगैरह बनाई जा रही है उनको किस तरीके से यूज करना है, उनके बारे में जो उनकी मात्रा वगैरह उनको चेक करना है, इसके साथ ही उनका इफेक्ट वगैरह किस तरीके से है, उनकी सेलिंग वगैरह उन सारी चीज़ों को फोकस है वो करती है। तो ये इसका काम है मेनली। तो उसके द्वारा प्रावधान किया गया है भाई कि इन जो स्टेरॉयड जो मेडिसिन है जो एंटीबॉडीज है उनके ऊपर लिमिट है वो लगा दी गई है।
कौन से एक्ट के तहत, वो एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के तहत। अब देखो बात ऐसी है कि जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो बोर्ड है ना, वो आता है एक्चुअली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, CDSCO। वो जो CDSCO है वो एक्चुअली ड्रग स्टैंडर्ड है उनको तय करता है। इसके साथ ही जो भी नई मेडिसिन आते हैं उनके ट्रायल वगैरह के डिसाइड करता है कि किस तरीके से उनके ट्रायल करना है, कौन से सक्सेसफुल वगैरह, वो सारे काम किए जाते हैं CDSCO के द्वारा। और ये आता है एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी है, क्योंकि देखो कई बार मेनली मेडिसिन दवाई वगैरह होती है उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन जो मिनिस्ट्री है वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, जबकि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में। तो कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना में एक रिवर है प्राणहिता उसके ऊपर ही है, एक तरीके से इरिगेशन प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कैलाश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो है कहाँ पे, प्राणहिता रिवर के ऊपर। और इसको एक्चुअली दूसरा नाम वो है कि प्राणहिता चेलला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्राणहिता रिवर है कहाँ पे, और ये सारा सीन जो हमने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट को अभी इससे फायदा होने वाला है। देखो स्टार्टिंग में जो ये प्रोजेक्ट था वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का था, बट आपको पता है कि अभी तेलंगाना डिवाइड हो गया था तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर है वो आ गए हैं। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई प्राणहिता है वो कौन सी नदी की वहाँ पे ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे UPSC पूछ सकती है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में भी डायरेक्टली पूछ सकते। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया हुआ है इक्विटोरियल गोनिया के बारे में। तो एक्चुअली इक्विटोरियल गोनिया वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने पहली बार यात्रा की है, क्योंकि अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर इंडिया के प्रेसिडेंट है उनकी अभी तक की सबसे पहली यात्रा है आज़ादी के बाद, तो इसलिए ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो अभी भारत के जो प्रेसिडेंट है ना वो दो अफ्रीका की यात्रा पर गए हैं, एक तो वो गए हैं इक्विटोरियल गोनिया की यात्रा पर, इसके साथ ही वो गए हैं स्वाजीलैंड की यात्रा पर, उसके साथ वो गए हैं लिसोथो की यात्रा पर। तो उन तीनों की लोकेशन हम देख लेते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और UPSC इसके बारे में पूछ सकती है, और आजकल हम थोड़ा मैपिंग वगैरह भी साथ साथ है वो देख लेते हैं। तो ये है एक्चुअली अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे जो आता है वो आता है इक्विटोरियल गुनिया। ये आपने इक्विटोरियल गुनिया की लोकेशन देखी, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली इस वाले कोस्ट जो अटलांटिक ओशियन है इस वाले कोस्टल एरिया पे, ये यहाँ पे इक्विटोरियल गुनिया जो है कंट्री है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे इसकी लोकेशन है। इसकी एक साइड है वो कैमरून कंट्री है और एक साइड है वो है गाबोन। तो ये इसकी लोकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है नहीं है। इसके साथ ही अगली जो कंट्री है वो है स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड के बारे में जो लोकेशन है वो भी हम एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेते हैं कि UPSC इनकी लोकेशन वगैरह के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पूछ सकती है। तो देखो स्वाजीलैंड जो कंट्री है वो एक्चुअली साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर कंट्री है। देखो ये है, एक सेकंड आपको जूम इन करूँ, हाँ ये आप देख सकते हो कि ये है अफ्रीका के साउथ में साउथ अफ्रीका कंट्री। अब साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर इस वाले एरिया में ये है स्वाजीलैंड कंट्री, जो कि एक साइड का जो बॉर्डर है इसका वो तो यहाँ पे अफ्रीका में टच कर रहा है, दूसरी साइड का बॉर्डर यहाँ पे दूसरी जो कंट्री है उसके यहाँ पे टच कर रहा है मोजाम्बिक के साथ। इसके साथ ही जो दूसरी कंट्री यहाँ पे जो डिस्कस करनी है जहाँ के हम हमारे प्रेसिडेंट हैं वो यात्रा पे गए हैं वो है लिसोथो। तो लिसोथो है वो प्रॉपर तरीके से लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। तो ये देख सकते हो आप लिसोथो कंट्री की लोकेशन, तो UPSC पूछ सकती है लिसोथो के बारे में। तो इनके बारे में लोकेशन वगैरह को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे, कुछ और एक दो चीज़ और है वो। इसके साथ ही एक न्यूज़ आजकल और वो आई है कार्बेक्स के बारे में, कार्ब्स एक्स के बारे में सॉरी। तो देखते हैं कि CARBX है क्या ये। देखो एक चीज़ आपको बताऊं, कई बार हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं किसी पेशेंट वगैरह को एडमिट कराते हैं, तो उस टाइम पर होता क्या है कि उस पेशेंट को या जो पेशेंट के साथ जो भी लोग आते हैं उनको एक नई संक्रमण या नई बीमारी हो जाती है हॉस्पिटल में। क्यों हो जाती है? क्योंकि हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं होती है, काफ़ी सैनिटेशन का इश्यू होता है उस कंडीशन में। मतलब क्या होता है कि बेचारा रोगी नहीं, कोई नॉर्मल आदमी होता है उसको बीमारियां लग जाती हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्चुअली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो गया। तो देखो इस जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, इस इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों की जानें वो चली जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन होता है। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे देश में जो जापनीज इंसेफ्लाइटिस है उसकी वजह से गोरखपुर के हॉस्पिटल में काफ़ी बच्चों की जाने वो चली गई थी, तो वो भी एक तरीके का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही था। तो उसके लिए दिक्कत क्या होती है, इसमें जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो कई बार काम नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए एक्चुअली कंटेक्स्ट ये रहा अभी कि इंडिया की एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है एक बायोटिक। ये ध्यान रखना है कि एक बायोटिक इंडिया का एक स्टार्टअप है,
इस स्टार्टअप ने क्या किया एक्चुअली कि भाई जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना, इसके लिए एंटीबॉडी एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज उसका निर्माण हो किया जा सके। अब देखो एंटीबायोटिक का निर्माण करना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए, ग्रांट वगैरह थोड़ा बहुत पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट तभी तो बात बनेगी। तो इसलिए जो इंटरनेशनल कार्बेक्स है उसके द्वारा ग्रांट है वो दी गई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखेंगे, कार्बेक्स है वो है क्या। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्बेक्स के बारे में। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखना कि भारत की कार्बेक्स अनुदान प्राप्त करने वाली है पहली कंपनी है जिसका नाम है बायोटेक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि बेंगलोर की स्थित एक बगवर्क रिसर्च ए बायोटेक कंपनी है जो कि कार्बेक्स के तहत पहली बार ग्रांट है वो प्राप्त कर रही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है उसे निपटने के लिए एंटीबायोटिक से उसका निर्माण है वो कर रही है। अब हम देख लेते हैं भाई कार्बेक्स है क्या, जिसके द्वारा इंडिया को जो जो इंडिया की कंपनी को ग्रांट है वो मिल रही है। कार्बेक्स का मतलब है कॉम्बेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बायोफार्मास्यूटिकल एक्चुअली एक्सीलेटर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक तरीके की एक पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, मतलब एक तरीके की सार्वजनिक निजी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसका मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये होता है कि बगैर भाई जब एक तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस मेडिसिन बन जाती हैं तो उस कंडीशन में यह एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है ताकि जो भी दवाई है उसका प्रॉपर ढंग से इफेक्टिव यूज़ है वो हो सके। तो ये इसके बारे में कंटेक्स था। तो यूपीएससी पूछ सकती है कार्बेक्स के बारे में, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली है करा कैनाल के बारे में। तो यूपीएससी इसकी लोकेशन है वो पूछ सकती है क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में है। देखो जो करा कैनाल की लोकेशन है वो एक्चुअली है थाईलैंड में, मतलब थाईलैंड को एक तरीके से काट के बीच से इधर से साउथ चाइना सी को और इंडियन ओशन को सीधा डायरेक्ट है वो कनेक्ट कर देगी। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से यहाँ पे जो बैंकों की जो थाईलैंड की खाड़ी है वो और इसी के साथ जो इंडियन ओशियन है अंडमान सागर उन दोनों को कनेक्ट कर देगी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। देखो अब क्या होता है, अगर इंडिया की तरफ से या इंडियन ओशियन की तरफ से कोई भी शिप वगैरह अगर चाइना की तरफ जाता है तो ऐसे घूमते घूमते जाना पड़ता है उसको करा इस्तोमस या इस वाले एरिया में। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारा घूम के जाना पड़ता है तो बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है और बहुत दिक्कत होती है। अप्रोक्सीमेट अगर अब देखो डायरेक्ट अगर इसी रास्ते से यहाँ पे केनाल बना दी जाएगी इसको काट के सीधा यहाँ पे तो अगर कहीं शिप सीधे जा सकेंगे तो उस कंडीशन में इतना घूमना नहीं पड़ेगा और जो फ्यूल की है वो भी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रावधान किया गया है कि जो करा कैनाल है वो बनाया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना कि करा कैनाल है वो थाईलैंड के अंदर है, यहाँ पे बनाई जा रही है, ये लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्राइस्ट थॉमस की लोकेशन तो हमने यहाँ पे देख चुके हैं, क्राइस्ट थॉमस, तो इसकी लोकेशन भी आपको यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है कि भाई साउथ चाइना सी से भी कनेक्टिविटी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक न्यूज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब एक देखो न्यूज और है वो आई है यहाँ पे, वो है प्रोजेक्ट धूप के बारे में। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट धूप है क्या। प्रोजेक्ट धूप में एक्चुअली ये है वो क्या गया, वो क्या गया FSSAI। आपको पता है कि इंडिया में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके द्वारा इसके साथ ही NCERT और इसी के साथ MCD जो दिल्ली की म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन डेवलपमेंट है उसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग हो गई है। कंटेक्स कुछ ऐसा है कि देखो हमारे देश में जो बच्चों में विटामिन डी की काफ़ी कमी रहती है, आपको पता है कि मैक्सिमम जो विटामिन डी की पूर्ति है वो की जाती है सिर्फ और सिर्फ देखा जाए वो होते धूप की वजह से। देखो धूप में दूध के अलावा और भी कुछ ऑप्शन भी होते हैं मेडिसिन वगैरह, बट नॉर्मली जो मेन पूर्ति होती है वो होती है धूप से। अब क्या होता है आजकल बच्चे धूप वगैरह में जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से काफ़ी कमी हो जाती है। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि विटामिन डी से कौन सा रोग है वो होता है अगर विटामिन की कमी हो जाती है। तो तब उस कंडीशन में ये प्रावधान किया गया इस प्रोजेक्ट धूप के तहत कि भाई बच्चों को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग में 9 से 11 के 9 से 11 के सॉरी 9 से 1 बजे के बीच में कुछ ऐसा टाइम हो ताकि बच्चों को धूप में बैठाया जाए ताकि वो उनकी बॉडी डायरेक्ट अगर हीट को या मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और जो विटामिन डी की पूर्ति है उसको की जा सके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है किसके द्वारा इसको स्टार्टिंग की गई है, वो की गई है FSSAI प्लस NCERT प्लस MCD इसके द्वारा ये स्टार्ट है वो की गई है। अब देख लेते हैं हम FSSAI के बारे में। देखो FSSAI है वो एक्चुअली आपको पता है कि स्टेचुरी बॉडी है इंडिया में। काम क्या है उसका, FSSAI का काम ये है कि भाई इंडिया में जो भी फूड वगैरह जनरेट होता है, जो भी फूड वगैरह के लिए रेगुलेशन वगैरह रूल वगैरह बनाने हैं, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है उनकी जाँच करनी है, वो सारे काम किया जाते हैं। जैसे हम कोई भी मार्केट से फूड लेके आते हैं तो उस पर FSSAI का लेबल रहता है कि हाँ भाई उसके द्वारा सर्टिफाइड है, क्वालिटी वगैरह को इंश्योर है, वो सारे काम उसके द्वारा किए जाते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है यहाँ पे वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि FSSAI जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आज की हमारी डिस्कशन आई होप काफी लंबी हो गई। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।